नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है कानपुर से घाटमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। यहां 50 बेड का L2 कोविड अस्पताल बनाया जाना है, जिसकी तैयारी का जायजा जिलाधिकारी द्वारा लिया गया। उन्होंने यहां लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट स्थल का निरीक्षण कर बेडों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने MOIC को निर्देशित करते हुए कहा कि युद्ध स्तर पर समस्त कार्य पूर्ण किए जाए। जिन कमरे में बेड पड़े हैं वहां की समस्त व्यवस्थाएं हेतु MOIC स्वयं मॉनिटरिंग देखते हुए कार्य पूर्ण कराए। जिलाधिकारी ने यहां किए जा रहे वैक्सीनेशन के कार्यों का भी औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने यहां लगाए जा रहे प्रथम व दूसरी डोज के लिए MOIC से जानकारी की तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्रथम डोज लग रही है किंतु दूसरी डोज में समस्या आ रही है। इस पर उन्होंने MOIC को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इसमें आपकी लापरवाही है, जिसकी वजह से लोगों को समस्या उत्पन्न हो रही है, जबकि 400 दूसरी डोज आपके यहाँ पेंडिंग है। उन्होंने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जो पेंडिंग दूसरी डोज जिन ग्रामीणों को लगनी है उन सभी को सूची में डालकर सभी को फोन से संपर्क कर उनको दूसरी डोज लगाने हेतु बुलाया जाए और उनकी दूसरी डोज प्रत्येक स्थिति में लगवाई जाए। उन्होंने कहा कि कोविड L2 फैसिलिटी के साथ साथ सामान्य मरीजों को भी देखा जाता रहे, इसके अनुसार दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य युद्ध स्तर पर पूर्ण कर ले। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी घाटमपुर भी उपस्थित रहे। जो लिंक यहाँ देखना था कि 50 बेड का जो ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं NUPPL के तत्वावधान में, CEO NUPPL भी आए हुए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब जो हमारे लोकल हमारे रेड्डी साहब हैं और हमारे CDO साहब से, तो हम लोग यहाँ देखने आए तैयारी की शुरुआत जैसे कैसे होगी। तो हम लोगों ने लोकेशन देखा है, जो थोड़ा इशूज हैं उसको हमारे MOIC साहब देखेंगे। वैक्सीनेशन भी देखा है, वैक्सीनेशन कुछ सेकंड डोज को लेकर इशूज हैं उनको सॉर्ट आउट।